आपको बताने जा रही हूँ डायबिटीज का प्रभाव महिलाओं में पुरुष से कैसे अलग होता है। हालांकि डायबिटीज महिलाओं और पुरुष को समान रूप से प्रभावित करता है, पर देखा गया है कि महिलाओं पर डायबिटीज का असर कुछ ज़्यादा होता है। जैसे कि हम क्लिनिकल उसमें देखते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी, आंखों में अंधापन और दिल के दौरे का खतरा महिलाओं को ज़्यादा बना रहता है, इसलिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगली पीढ़ी में हम डायबिटीज के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। हालांकि डायबिटीज एक परिवार में रन होने वाली बीमारी है, यानी अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो कुछ चांस तो है कि आपको डायबिटीज होने का खतरा बना रहेगा, लेकिन हमारी जीवन शैली भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर हम जीवन शैली में कुछ बदलाव कर लें तो हम डायबिटीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे कि शारीरिक रूप से हम सक्रिय रहें, संतुलित आहार लें और अपने वजन को नियंत्रण में रखें, तो हम आने वाली पीढ़ी में डायबिटीज के खतरे को कम कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डायबिटीज में इंसुलिन संबंधित आपातकालीन स्थिति क्या पैदा हो सकती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन डायबिटीज के उपचार का एक प्रमुख विकल्प है। अगर हम इंसुलिन को ज़्यादा कम लेते हैं या ज़्यादा अधिक लेते हैं तो उससे आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है। अगर हम इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लो हो सकता है, यानी कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, जिससे कि मरीज को घबराहट, पसीना आना और बेहोश भी हो सकता है। और अगर हम इंसुलिन की मात्रा कम लेंगे तो हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसलिए दोनों ही लक्षणों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।